दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में और हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि 15 अक्टूबर से इसके आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। और ये बात जो है, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ के माननीय सीएम महोदय, जो वहाँ पर शिक्षा के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई है। और हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, जिसमें आपका कक्षा 6 से 8 तक में लगभग 52,000 पदों पर जो है वो आपको भर्ती देखने को मिलेगी। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता दें कि उसमें इस बार जो अक्टूबर में वैकेंसी आने वाली है, उसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए वैकेंसी नहीं आएगी। कारण ये है, आप समझ रहे हो, 1,70,000 शिक्षक भर्ती अभी जो चल रही है उसमें कक्षा 6 से 8 के लिए भर्ती का एक भी पद नहीं था। 1 to 5 के लिए, कक्षा 11, 12, 9, 10 के लिए जो है आपको भर्ती देखने को मिली। तो प्राइमरी के लिए जो है वो सीटें रिक्त नहीं रहेंगी अक्टूबर तक में। अक्टूबर में जो 52,000 वैकेंसी है वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए रहेगी। और यही चीज़ जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग आया है, उसमें भी इस बारे में बात की गई है कि प्रमोशन से नहीं एग्ज़ाम भी होगा, और एग्ज़ाम दे करके कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो आपका 6 to 8 का पेपर दे करके फिर वहाँ के टीचर बन सकेंगे। यहाँ पर ये नोटिस आप देख पा रहे होंगे, इस पर चलने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए हमारे साथ में महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी है, उससे भी जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे आप एक नोटिस है, नोटिफिकेशन है 12/2020 करके लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि पहली बार सुपर टेट की परीक्षा बिहार में हो रही थी, जिसमें BPSC जो है उसे कंडक्ट करवाया है। इसके पहले अगर हम नियुक्तियों को लेकर के बात करें तो बिहार पंचायत एलिमेंट्री सर्विस अपॉइंटमेंट ट्रांसफर, आप देख पा रहे होंगे ये पंचायत वाली जो चीज़ें हैं, नगर पालिका वाली चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं जो नियुक्तियों की बात होती थी वो करती थी। और सब कुछ मेरिट पर होता था, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं था, यानी जो आप अभी पेपर दे करके आए हैं, जो ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन ऑफलाइन, वो नहीं था। अब यहाँ पर आगे अगर बात की जाए, इसमें जो आपका कक्षा 6 से 8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, चूंकि आप सभी को पता है कि बीएड तो उसमें एलिजिबिलिटी रखता ही रखता है। अब सवाल ये है कई स्टूडेंट्स का, और आपको भी हम बताना चाहेंगे कि क्या बीएड, जब हम डीएलएड बीटीसी की बात करते हैं, वो इसमें शामिल हो पाएगा ये जो 52,000 पद हैं। ध्यान दीजिए, आप जब बीटीसी डीएलएड की बात करते हैं तो आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों का फॉर्म भरते हैं। आप चाहे यूपी टेट की बात करें, आप चाहे सी टेट की बात करें, तो फॉर श्योर है कि आपने सी टेट अगर 6 to 8 में आपने अप्लाई किया हुआ है, आप सी टेट पास हैं, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो ये पूरा रूल्स रेगुलेशंस का आपका दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, 27 पेज का आपका है, ठीक है। आप यहाँ पर चलेंगे तो आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से टीचर्स का होता है। इसमें लिखा है बेसिक ग्रेड का 1 to 5, ग्रेजुएशन ग्रेड का लिखा हुआ है आपका 6 to 8, और हेड मास्टर ऑफ द मिडिल स्कूल। ये चीज़ें होती हैं जो पंचायत एलिमेंट्री टीचर्स में आती थी अभी तक, ठीक है। अब इनके क्वालिफिकेशन को लेकर के बात करें तो आप सभी को पता है कि 1 to 5 का क्वालिफिकेशन क्या है, आप सब जानते हो अच्छी तरीके से। और अब ऐसे में इसमें बीएड जो है वो कहीं से भी इंक्लूडेड नहीं होगा, ये बात आपको जानकारी, इस बात की जानकारी आपको होगी। बात कर लेते हैं 6 to 8 को लेकर के। यहाँ पर जब आप आगे चलेंगे तो आप देखिएगा, जरा इसमें लिखा है ग्रेजुएट ग्रेड, जैसा कि मैंने बोला 6 to 8 ग्रेजुएट ग्रेड का होता है। और अगर आप जब यहाँ आते हो तो लिखा है मिडिल स्कूल शैल बी अपॉइंटेड इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट वाइज पोस्ट। आप इन इन सब्जेक्ट वाइज पोस्ट पर आप अपॉइंट हो सकते हो, जिनमें आपका मैथमेटिक्स और साइंस टीचर का है, सोशल साइंस टीचर का है, लैंग्वेज टीचर्स का है, ठीक है। तो इनमें आपका अपॉइंटमेंट जो है होगा अगर आप इन परीक्षा में पास होते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50 पोस्ट इन ग्रेजुएट पंचायत एलिमेंट्री, चलिए ठीक है, ये तो वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का दिया हुआ है, और प्रमोशन से कैसे कुछ फिल होगा। इन्होंने ये कहा कि भाई ये प्रमोशन से 50% भरेंगे, 50% हम एग्ज़ाम लेंगे तब भरेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पर, देखिए इसमें लिखा हुआ है द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी एज फॉलोज, BA BSc एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ पा रहे होंगे, 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नोन बाई वॉट एवर नेम, मतलब 2 साल का आपने अगर DLED BTC किया हुआ है तो आप एलिजिबिलिटी रखते हो। कक्षा 6 से 8 का जो भी फॉर्म आने वाला है अक्टूबर, मिड अक्टूबर से आएगा, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें है आपका 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, जो BEd है वो भी आवेदन कर सकता है। इसमें 45% मार्क्स BA BSc में दिया हुआ है। BEd जो 2 साल का है वो भी इसमें कर सकता है, 1 साल वाला 1 साल का है वो भी कर सकता है, जो BLED है 4 साल वाला कोर्स वो भी कर सकता है। तो मतलब कहने का ये हुआ
यहाँ पर जरा गौर करिएगा, जो बीएड है स्पेशल एजुकेशन वो भी शामिल है। एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें अब बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी हैं, बीएलएड वो सभी आवेदन कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। लिखा है क्वालिफाइड इन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी कंडक्टेड बाय द सेंट्रल और बिहार गवर्नमेंट। सो सेंट्रल यानी कि आपका सीटेट की बात हो गई, यानी आप आवेदन कर सकते हो अब, ठीक है। चूंकि अदर स्टेट को भी बिहार अलाउ करता है और बिहार गवर्नमेंट का, और वो कौन से लेवल का होना चाहिए, 6-8 लेवल का अगर आपने पास किया हुआ है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका, जो अक्टूबर में वैकेंसी आ रही है उसके लिए। तो ये था पूरा का पूरा, यहाँ पर जो मैंने जो चीज़ें दी हुई थी वो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें बीटीसी डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से तैयार रहिएगा इस भर्ती के लिए। कुछ और सवाल अगर बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। एक और वीडियो मिलेंगे जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।